हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, अभी ना मैं डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट लेने लगी थी आज। ठीक है, मेरा आज डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट डे था और मैंने प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाया होता है कि मुझे वीक में ये चीज़ें अप्लाई करनी है अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। तो जिन लोगों को ड्राई हेयर्स का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को डैमेज हेयर का प्रॉब्लम है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी होते हैं, जिनके बालों में जो है ना वो कह लो आप लोग स्मूथनेस नहीं होती, बाल सॉफ्ट नहीं लगते, ऐसे लगता है उड़े उड़े से बाल हैं, ठीक है, उलझे उलझे टेंगल्स बहुत ज़्यादा होती हैं बालों में, ठीक है, जिनके बाल बहुत बड़े बड़े से और लाइक कह लो कि एक मैनेजेबल फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए है, बालों को नरिश करने के लिए उनकी डीप कंडीशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी होममेड हेयर मास्क से भी कर सकते हैं, आप लोग किसी मार्केट बेस्ड मास्क से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो कि मैं खुद ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, जो अभी करंट मेरी रूटीन है। इनके बाद मैं मजीद मे बी शफल करूँ या कोई कह लो कि आप लोग स्विच करूँ किसी और प्रोडक्ट पे, क्योंकि मैं बहुत देर तक एक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। 2-3 मंथ्स तक मैं एक प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं स्विच कर लेती हूँ। तो अभी जो करंट रूटीन में मेरे 2-4 मास्क हैं जो मैं मार्केट बेस्ड यूज़ कर रही हूँ, 2 मास्क और उसके बाद 3 मास्क, ठीक है, जो मैं मार्केट बेस्ड यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद बाकी मैं जो होममेड यूज़ कर रही हूँ ना, मैं वो सारे सारे आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। आज जो है ना वो साथ रिव्यू भी कर दूंगी, दूसरा आपको डीप कंडीशनिंग भी बता दूंगी कि मैं किस तरह से डीप कंडीशनिंग करती हूँ अपने बालों को, कि बाल जो है ना वो आप 10 दिन में एक बार कर लो, आपके बाल सेटल हो जाते हैं, बिलीव मी, बिल्कुल सेटल, यानी 10 दिन तक ना आपके बालों में जान सी आ जाती है। तो बालों को हेल्दी रखने के लिए, उनको स्मूथ रखने के लिए, उनको स्ट्रांग रखने के लिए, उनको सिल्की रखने के लिए, ठीक है, डीप कंडीशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी हेयर पोरोसिटी है, ये सारे काम आपको करने ही पड़ते हैं, ठीक है, अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। और ये नहीं कि आपने एक चीज़ पर स्टक हो जाना कि बस ये कर लिया तो बाल अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, अब ऑयलिंग हम स्किप नहीं कर सकते अपनी रूटीन से, हम डीप कंडीशनिंग स्किप नहीं कर सकते, शैम्पू स्किप नहीं कर सकते, कंडीशनर स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, हमने करनी है। अगर हम सिर्फ जूता पहन रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम नए कपड़े नहीं लेंगे, ठीक है, या हम कपड़े पहन रहे हैं तो ये तो नहीं होगा कि हम जूता नहीं पहनेंगे। जिस तरह से अपनी बॉडी को, अपनी लुक को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सेसरीज पहननी पड़ती हैं, ठीक है, हमें ज्वेलरी पहननी पड़ती है, हमें जूते पहनने पड़ते हैं, हमें वॉच पहननी पड़ती है, बैग्स लेते हैं हम लोग, उसी तरह से ये हमारे बाल हैं जिनको सिल्की स्मूथ और मैनेजेबल रखने के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है, जिनसे बाल हेल्दी रहें। तो आज का जो हेयर मास्क है ना, इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है, बिलीव मी, इतना हाइड्रेटिंग है, वाटरमेलन हाइड्रेटिंग हेयर मास्क है। ऑलरेडी बहुत बार मैं सुजेस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, लेकिन आज मैं उसको करने लगी थी प्रॉपर, तो क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे ये कहती हैं कि आप ये चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ, दूसरा इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ, उसका रिव्यू दे देती हूँ, तो आप लोगों ने कहाँ से लेना है ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। अगर आप ये नहीं ले सकते, नो प्रॉब्लम, आप घर में होम मेड मास्क बना लो। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी रेमेडीज, सॉरी, शेयर की हुई हैं यूट्यूब पर, आप उनमें से कोई भी बना लो, लेकिन आपने डीप कंडीशनिंग लाजमी करनी है वीक में एक बार, ठीक हो गया जी। चले जी, मास्क में आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मास्क लगाने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, चलिए आप वीडियो स्टार्ट करें। ये है वाटरमेलन हाइड्रेटिंग हेयर मास्क, जो कि मैंने हेयर सीक्रेट से लिया था। हेयर सीक्रेट इंस्टाग्राम का एक पेज है, ठीक है, उनका मैं सारा कुछ, सारे लिंक्स और डिस्काउंट कोड भी है इसके ऊपर, ठीक है। बहुत सारी लड़कियाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकती और ये डिस्काउंट कोड यूज़ कर लें, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगी, लिंक के ऊपर बल्कि मैं कोड अप्लाई कर दूँगी, ठीक है, तो आप लोग उस लिंक पे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको विद इन अ वीक मिल जाएगा, देन आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज होता है, और दूसरी बात ये कि थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा नरिशिंग है, रिजल्ट्स सुपर रिजल्ट्स हैं इसके। मास्क में आप लोगों को दिखा देती हूँ खोल के भी, ठीक है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, थोड़ा इस तरह की कंसिस्टेंसी में है। अगर ये आप लोग रूम टेम्परेचर पे रहोगे ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है, फ्रिज में रख सकते हो आप लोग इसको, लेकिन आप लोगों ने जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तब इसको बाहर नहीं रखना, आपने ना फ्रिज में रख देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना फिर पतला हो जाता है। पतला होने से रिजल्ट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंसिस्टेंसी पर फ़र्क पड़ेगा, लगाने में थोड़ा मसला होगा, इस वजह से आप लोगों ने इसको फ्रिज में रख लेना है। अदरवाइज इसको आप लोग कंडीशनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप ड्राई हेयर्स पे यूज़ कर सकते हो, वेट हेयर्स पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसको एज अ मास्क ही यूज़ करती हूँ, लगा के 2-3 घंटे के लिए मैं इसको स्टे करती हूँ, ताकि मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट और अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि कंडीशनर तो मैं ऑलरेडी हेयर पेनेट्री का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये जी हमारा मास्क हो गया, बाल टेंगल फ्री होने चाहिए, ठीक है, मैंने कोई ऑयलिंग नहीं की हुई, मुझे हेयर वॉश किए हुए 2-3 दिन हो गए हैं, हेयर वॉश किए हुए, मेरा स्कैल्प भी ना
हल्का सा, बस कह लो आगे से ये वाला जो एरिया ना, यहाँ पे हल्का सा ऑयल आ रहा था और मैं ऑयलिंग नहीं करी इसी वजह से, क्योंकि जहाँ जब आपके स्कैल्प के ऊपर ऑयल क्रिएट हुआ हो, ऑयल आया और नेचुरल ऑयल जो है ना उसका निकला हो, तो फिर आप लोग ऑयलिंग ना किया करें, उससे आपके जो पोर्स है ना वो क्लॉग हो जाते हैं, यानी कह लो कि आपके हेयर फोलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि आज जो है ना वो डीप कंडीशनिंग कर लेते हैं। इस मास्क को वैसे लेंथ के लिए है, लेकिन मैं यहाँ से रूट्स में नहीं लगाऊंगी, यहाँ से लेके एंड्स तक सारा स्मूथ लगाऊंगी, ठीक है। तो मास्क लगाने से पहले हमने बालों को 3 मिनट जो है ना वो अच्छी तरह से कॉम कर लेना है। जब बाल हमारे अच्छी तरह से टेंगल फ्री हो जाएं, इससे क्या होगा, एक तो ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगी, दूसरा बाल टेंगल फ्री भी हो जाएंगे। जब आप हेयर वॉश करेंगे तो आपके बालों में टेंगल्स नहीं होंगी, ठीक है। इस वजह से जब भी आप हेयर वॉश करें, हेयर वॉश से पहले आप लोग कॉम लाजमी करें। ऑयलिंग के फौरन बाद आपने कॉम नहीं करनी, मास्क के बाद आपने कॉम नहीं करनी, ठीक है। जब आपने शॉवर लेने जाना है उससे पहले आप लोगों ने 5 मिनट पहले आप लोग कॉम करो, देन आप लोग शॉवर लेने जाओ। शॉवर के बाद भी आपने कॉम नहीं करनी, जब आपके बाल 50% 60% ड्राई हो जाएं, या आप कह लो कि 80% भी बेशक ड्राई हो जाएं, तब आप लोग कॉम कर सकते हो, ठीक हो गया। बालों को अच्छी तरह से कॉम कर लिया है, मेरे बाल बिल्कुल टेंगल फ्री हो गए हैं। अब हम इस मास्क की एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपने बालों को पानी के साथ हल्का हल्का सा वेट कर लेना है, क्योंकि मैं आपको ना एक प्रो टिप देती हूँ, ठीक है। ये टिप आप लोगों ने कभी भी ना वैसे ड्राई हेयर्स पे इस मास्क को लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कभी भी किसी मास्क को ड्राई हेयर्स पे ना लगाया करें, हल्का सा अपने बालों को वेट किया करें, ठीक है। डैम्प जो वेट हेयर होते हैं ना उनके ऊपर आपने कोई भी चीज़ अप्लाई करनी होती है। बालों को मैंने हल्का सा वेट कर लिया है, ठीक है। अब हम सेक्शनिंग करेंगे और मास्क को अप्लाई करेंगे। ये मास्क हर हेयर पोरोसिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लो पोरोसिटी है, मीडियम पोरोसिटी है, हाई पोरोसिटी है, सब इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसके बाद शावर कैप लाजमी पहनी है। हेयर जो लो पोरोसिटी वाले हैं वो तो लाजमी पहने, बाकी मीडियम और हाई पोरोसिटी वाले लोगों पे डिपेंड करता है, वो पहनना चाहे पहने, ना पहनना चाहे नो प्रॉब्लम, लेकिन लो पोरोसिटी वाले इसके बाद लाजमी शावर कैप पहने, आपको 2x रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने बालों को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। बन बना ले दूसरे सेक्शंस का, जिस सेक्शन पे आपने अप्लाई करना है सिंपली उसके ऊपर हल्का सा आपने मास्क लेना है, अपने हाथों पर रब करें और उसको लेंथ तक अप्लाई कर लें, फिर उसको बन बना दें इस तरह से, फिर आप दूसरे सेक्शन पे अप्लाई करें। बहुत इजी और स्मूथ एप्लीकेशन है इस मास्क की, बिल्कुल रनी नहीं है, बिल्कुल सॉलिड नहीं है, मतलब एक बड़ी इसकी ना अच्छी सी कंसिस्टेंसी है कि ये बालों पे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई हो जाती है। मेरी रिकमेंडेशंस पे ऑलरेडी बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने इस मास्क को बाय किया है एंड दे आर गिविंग अमेजिंग फीडबैक, ठीक है। इतना ज़बरदस्त फीडबैक जो कि मैं इंस्टाग्राम पर डेली, आपको पता है, स्टोरीज लगाती रहती हूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, ठीक है। वहाँ पर मैं डेली बहुत मज़े मज़े की और इन्फॉर्मेटिव रील्स, हेयर केयर कंटेंट, स्किन केयर कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो आप इजीली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, इस वजह से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। इस मास्क के अंदर, ठीक है, हमारे पास वाटरमेलन आ जाता है, ठीक है। वाटरमेलन हाइड्रेटिंग हेयर मास्क है, तो इसके अंदर वाटरमेलन है, ठीक है। विटामिन ई है, ऑयल है इसके अंदर, स्वीट आमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, नीम एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर वीट प्रोटीन है। वीट प्रोटीन आप लोग सोचें कि आपको डायरेक्ट अपने बालों में इतना ज़्यादा प्रोटीन लगा रहे हैं, तो आपके बाल किस तरह से हेल्दी नहीं होंगे, यानी कि ज़बरदस्त सा मास्क है ये, बहुत ज़्यादा इतना नरिशिंग है, मैं यकीन मानो इसको बयान नहीं कर सकती है कितना ज़बरदस्त है। अच्छा जी, उसके बाद ना बाकी सारी एक्सपायरी डेट वगैरह इसके ऊपर मैंशन है। 200 ml का ये जार है, ठीक है। काफ़ी टाइम के लिए ये आपका आराम से यूज़ हो जाएगा। अब आप लोग सोचो, ये मेरे पास 2 मंथ से है और मेरे हेयर की लेंथ भी अच्छी खासी है, ठीक है, और मैं हर 10 दिन में एक बार लाजमी अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप लोग खुद सोचें कि लाइक इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी, अभी भी ये हाफ क्वांटिटी में मेरे पास है, तो बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी इसकी लगती है। उसके बाद ये जो है ना मास्क आपके फ्रिजी हेयर को ट्रीट करता है, आपके डैमेज हेयर को ट्रीट करता है, रफनेस को ट्रीट करता है, बाल नीचे से बहुत ड्राई हो जाते हैं। जो लोग रोजमेरी वाटर यूज़ कर रहे हैं उनके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, आप लोग साथ इसको ऐड कर लो एज अ डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट, तो आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो आपका वो इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा, इसको आप लोग एज अ मास्क यूज़ कर सकते हो एंड एज अ कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एज अ मास्क यूज़ करना है जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस तरह से आप लोगों ने 1-2 घंटे इसको लगा के रखना है। अगर आपने एज अ कंडीशनर यूज़ करना है, फिर आपने शैम्पू के बाद जब हम कंडीशनर लगाते हैं पानी अच्छे तरह से अपने बालों से निकाल के, देन आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना है अपनी लेंथ पे और फिर बन बना लेना है। 5 से 7 मिनट के लिए अप्लाई करके रखना है, देन आप लोग इसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है जी। मास्क मैंने सारे सेक्शंस पे इक्वली अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद हमने कॉम नहीं करनी है। अब मैं इसका लोयर बन बना रही हूँ, और कोई भी आप लोगों के पास शॉवर कैप नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप लोगों के घर में कोई भी प्लास्टिक बैग जो आप लोग शॉप से लेके आते हैं, ठीक है, वो होगा, आपने अपने बन के इर्द गिर्द उसको बांध लेना है और कैचर के अंदर उसको दे देना, ताकि उसके अंदर हवा ना जाए।
उससे क्या होगा कि डायरेक्ट उसका जो असर है ना आपके बालों पे होगा। अभी मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मैंने हेयर कॉम नहीं की थी। मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, और मैंने अभी तक कॉम नहीं की हुई, सिर्फ आप लोगों को रिजल्ट चेक करवाने के लिए कि आप लोगों के बालों से टेंगल्स बिल्कुल रिमूव हो जाती हैं। इतना ज़बरदस्त ये मास्क है, और आप लोग इनकी शाइन चेक करें, लाइक फ्रिजीनेस बिल्कुल भी नहीं है बालों में, बाल इतने स्मूथ हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, इनका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है इस मास्क को अप्लाई करने के बाद। यानी डीप कंडीशन कर रही हो तो वाकई ना इसका वो इफेक्ट मिलता है, बाल इतने सिल्की स्मूथ शाइनी और टेंगल्स बिल्कुल नहीं है, मैनेजेबल फॉर्म में आ जाते हैं, फ्रिजीनेस भी खत्म हो जाती है, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी अपने बालों पे अप्लाई नहीं किया हुआ, आप लोग कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है अब मैं अपने बालों को कॉम करूंगी। मेरी तरफ से ये मास्क 100% रिकमेंडेड है, इतना ज़बरदस्त मास्क है और बहुत अफोर्डेबल है, बिलीव मी। अभी तक मार्केट में मैंने ऐसे ऐसे हेयर मास्क भी अप्लाई किए हुए हैं जो 4000-5000 की रेंज में मिल रहे हैं, और बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी होती है, फ़ौरन से लाइक एक दो बार आप अप्लाई करो ख़त्म हो जाते हैं, और इतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। ये मास्क इतनी रीजनेबल प्राइस में है, ऊपर से डिस्काउंट कोड भी है, एंड थर्डली आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहा है, तो इस मास्क को ट्राई करना बनता है, ठीक है। आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हो इसको लाजमी ट्राई करना, अदरवाइज आपने डीप कंडीशनिंग करने के लिए मैंने बहुत सारी होम मेड रेमेडीज़ शेयर की हुई हैं हेयर मास्क की, आप लोगों ने उनमें से कोई एक रेमेडी उठानी है और अपने बालों को कंडीशन कर लिया। यही आज की वीडियो थी, आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप लोग इसको मेरे कहने पे एक बार लाजमी ट्राई करना। दूसरा, मैं इंस्टाग्राम पे मुझे लाजमी ज्वाइन करना, मैं वहाँ पे इसके बहुत सारे रिव्यूज ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, एंड अभी मैं फिर से कर दूंगी ताकि आप लोगों की पूरी तसल्ली हो जाए। इसको अगर आप बाय करना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर मैं इसका लिंक अटैच कर रही हूँ, आप लोगों ने डायरेक्टली उस वेबसाइट पर जाना है और जाके इसको ऑर्डर कर लेना है। विद इन अ वीक आपको ये हेयर मास्क मिल जाएगा, जिस तरह से मुझे मिला था, ठीक है। मिलेंगी जी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।